हाँ जी, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली भी जा रही है और बच्चे भी हैं, तो बच्चों के साथ सफ़र करना नामुमकिन तो नहीं मगर ज़रूर मुश्किल हो जाता है, और वो आप देखते रहेंगे। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम टू शेयर मेड व्लॉग्स। आई एम अ फोटोग्राफर ट्रैवलर और ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और अपने राय का ज़रूर इजहार करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो सफ़र का आगाज़ हमने दुबई से किया है। इंशाल्लाह ताला काफ़ी लंबी जर्नी है। कराची में ईद मनाएंगे आप लोगों के साथ। इसके बाद जाएंगे लाहौर में कुछ दिन रुकेंगे, और इसके बाद इस्लामाबाद वहाँ कुछ दिन, इसके बाद गिलगित के बाद अपना शहर, और फिर निकलेंगे चाइना बॉर्डर तक। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जाऊँ आपको दिखाऊँ। सुबह के 5 बज रहे हैं जनाब अली, और मौसम इस वक्त 33 दिखा रहा है मगर फील लाइक 38। सुबह 5 बजे सोचें कि कितनी गर्मी है, हस बहुत है। कराची में भी कोई कम नहीं होगी। कराची वाले भाई मिल गए सुबह सुबह टैक्सी वाले, ये भी औरंगी टाउन से 11:30 से हैं। जी, हम पहुंच गए टर्मिनल 3 एमिरेट्स की फ्लाइट। चलें जी, पैसा देने का टाइम आ गया। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। गेट चेक करें, कौन से गेट से कौन से नंबर पे जाके खड़ा होना भाई लाइन में। कहाँ है आपका शहर भाई? ऐसा है कि भैया 7:50 की फ्लाइट है और आपका भाई जल्दी आ गया है। मिल गया भाई, मिल गया। ये रहा, कहीं नज़र आ रहा हो, ये रहा 7:50, 3 and 4, लेट्स गो बड़ी। लाइन तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी लंबी है, मगर आपके भाई ने ऑनलाइन चेक इन कर चुके हैं। You have some extra allowance, but I cannot do anything. Okay, I can remove only one thing. So half kg is okay, more. ओके, इन्होंने कहा भाई कि 1.5 किलो ज़्यादा, 1.5 किलो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मैंने एक किटकिट का डब्बा निकाल दिया। फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है, 1/2 किलो गुजारिश कर सकते हैं। तो उन्होंने, बड़ी मेहरबानी उनकी, 1/2 किलो पे उन्होंने राज़ी हो गए। चलो जी, अच्छा अभी वहाँ सामने आप लाइन देख रहे हैं, उस लाइन से मेरी बचत हो गई। हमारा गेयर है B26। ओके जी, लेफ्ट। और हमने तीर ये मारा भाई कि किटकिट भी ले आए और टैंक का डब्बा भी ले आए, वरना मेरे बच्चे मुझे नहीं छोड़ते। वॉचेस, ज्वेलरी, परफ्यूम काउंटर भी होकर आते हैं। सोचा एक ट्रॉली ले लें ताकि सामान आराम से रख लिया जाए। हाँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब एक और जगह पे जाके बैठना है, वहाँ वेट करना है, 7:50 की फ्लाइट है, तब तक वेट करें। ये एयरपोर्ट के साथ ये मेट्रो है, ये अब नीचे आप पीछे आप देख रहे हैं, ये आपकी मेट्रो जा रही है। आराम और इंतज़ार बहुत हो गया, चलें बोर्डिंग स्टार्ट है। ट्रॉली को यहाँ रखना पड़ेगा, बैग उठाएं अपना,
ओके आई यू चेकिंग वीडियो कहां कि वहां वीडियो अलाउ नहीं है चलो खैर है यहां तो अलाउ है आपके पास लगेज कुछ बड़ा है तो ये यहीं से ले लेंगे भाई कहानी कुछ ऐसी है कि हमारी सीट मिल गई है और भाई ने ना चूज किए खिड़की वाले लो जी हम अपनी सीट पे पहुंच गए हैं ये यहाँ का मंजर है और बाहर का मंजर कुछ ऐसा है अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो ये ऑप्शन भी है और अगर चार्जर है तो बेहतर है और अगर आप चार्जर नहीं लाए कोई बात नहीं यूएसबी केबल है यू नहीं तो यू से Just been advised, we've found their baggage, they're offloading, we expect to be departing in the next 5 minutes. कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को इतनी नींद आ गई है कि पहले ही सो गए फिर रमज़ान का आज आखिरी दिन है यहाँ दुबई में और कल यहाँ कन्फर्म ईद है दुबई में और कराची का आइडिया नहीं है कराची का तो आपको पता ही है एक और रोज़ा मिल जाएगा ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं तो ये लाइन में तो मतलब क्या आप कतार में हैं हमारी रवायती रोना हमारी आवाम को ज़रा सा बढ़ नहीं जहाज अभी तक सही रुका नहीं गेट खुले नहीं और ये खड़े हो जाते हैं चाहे उनको 10-15 मिनट ही खड़ा होना पड़े अभी हम पहुँच गए भाई ये है कराची हम पहुंच गए कराची अब देख लें ट्रैफिक का हाल अब लग रहा अपना अपना सा कोई भट्टा ये देखें ये कह रहा है कि इसने किया ये कह रहा है इसने किया अरे कहाँ जा रहे अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी क्योंकि अभी और बहुत कुछ बाकी है साथ रहिए मेरे Hello.